भारत का खूंखार राजपूत योद्धा जिसने 35 मुस्लिम रानियों को बनाया गुलाम, मुगल भी कांप उठते थे। आज हम आपको ऐसे योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जो मुस्लिम काल के लिए काफी खतरनाक था और उसने कई मुस्लिम रानी जीती थी। भारत में कई योद्धा अपने काम की वजह जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे राजा के बारे में बताने वाले हैं जिसने 100 से ज्यादा रानियां रखी और उसमें 35 मुस्लिम थी। इस राजा ने अरबों को हराकर उस पर कब्जा कर लिया था। इस राजा का नाम बप्पा रावल था और इसने सलीम को भी हराकर गजनी में अपने भतीजे को गवर्नर बना दिया था। बप्पा रावल 7वीं शताब्दी के सबसे बड़े शूरवीर माने जाते थे। इसने कासिम को हराकर सिंध पर भी कब्जा किया था। बप्पा रावल के बारे में बता दें कि इसने 19 साल तक शासन किया और 39 साल की उम्र में लड़ाइयों से संन्यास लिया। इसने अंतिम सांस नागदा में ली थी। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। सबसे बड़े योद्धाओं में बप्पा का नाम भी शुमार है। यह अपने खूंखार रूप की वजह से जाने जाते हैं।